हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीत रेसिपीज में। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने से व्रत के लिए टेस्टी टिक्की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगा बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम अपनी टिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे जिसमें हम साबूदाने को डाल देंगे। मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था गर्म पानी में। मैंने 50 ग्राम साबूदाना लिया है। तो ऐसे साबूदाने को एक बड़े बाउल में हम डाल देंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे आलू। बॉइल्ड आलू मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। 3 आलू लिए हैं मैंने जिनको बॉइल करके मैश कर लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, ये व्रत वाला नमक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सब के साथ मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून। तो अब हम इनको मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे हमने साबूदाने और आलू का मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब हम इससे टिक्की बनाना शुरू करते हैं। 1 चम्मच हमने बैटर लेना है ऐसे। जितना भी साइज आप टिक्की का बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप बैटर ले सकते हो। बस इसको हल्के हाथों से आप शेप दे दो टिक्की की। तो ऐसे ही हमें सारी टिक्कियां रेडी कर लेनी है। तो ऐसे देखिए सारी टिक्कियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम टिक्कियों को फ्राई करते हैं। तो बहुत ही कम तेल में हम इनको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है हमें, इनको डीप फ्राई नहीं करना है। तो एक एक करके हम टिक्की को ऐसे रखेंगे। एक बार में जितनी टिक्कियां आपकी इजीली आ सके उतनी ही रखें ताकि आप इनको इजीली टर्न कर सकें। तो यहाँ पे आप गैस की आंच मीडियम ही रखें, ज्यादा हाई ना करें। तो चलिए एक की साइड हम चेंज करके देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर इसको और रहने देते हैं ताकि ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन और हो जाए। तो बीच बीच में आप इनकी साइड चेंज करके देखते रहें। जैसे ही ये गोल्डन कलर ले लेती हैं वैसे हमें इनको साइड चेंज कर करके हर तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए ये होनी शुरू हो गई है, बस ऐसे ही ये भी होगी होगी। अब हम इसका साइड, इनकी भी साइड चेंज कर देते हैं ऐसे। तो ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। बस ऐसे ही हमें इनको परफेक्ट गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। तो ये टिक्की हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर के ऊपर। तो ये देखिए ये भी रेडी है। बस ऐसे ही हमें सारी टिक्कियों को अब निकाल लेना है। तो चलिए अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो व्रत में आप जिस भी सॉस के साथ इसको खाना चाहो उसके साथ आप इसको खा सकते हो। तो आप भी व्रत में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये साबूदाना टिक्की बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।